नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में ये हमारा 11th यानी 11वां लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। अब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बिस्मार्क का क्या रोल रहा जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद। समझ गए, बाद की बात कर रहे हैं हम। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का क्या रोल रहा वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन जर्मनी अब यूनिफाई हो गया, यूनिफिकेशन के बाद में बिस्मार्क ने क्या कुछ किया, क्या फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपनाई, इस मुद्दे पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, बिस्मार्क एक ऐसे स्टेट पर्सन थे, एक ऐसे डिप्लोमेट थे जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद में भी जो यूरोप के अंदर इंटरनेशनल घटनाएं हुई, जो भी मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। मेन अब पॉइंट ये उठता है कि उनका रोल था क्या, मेन उनका विजन क्या था, फॉरेन पॉलिसी में क्या कुछ पॉइंट्स थे उनके। उनका मेन मकसद ये था, क्योंकि 1871 की लड़ाई में जर्मनी ने हराया था फ्रांस को, तो बिस्मार्क के अनुसार फ्रांस अब एक जख्मी शेर की तरह है। पुराने समय में एक बड़ा एम्पायर रहा है फ्रांस का, तो फ्रांस को बुरी तरह से जर्मनी ने हराया था। उनको यह लगता था कि फ्रांस अब हर एक वो कोशिश करेगा बदला लेने के लिए। लेकिन बिस्मार्क एक बात यह भी जानते थे कि फ्रांस अकेला बदला नहीं ले सकता जर्मनी से, उनको आवश्यकता पड़ेगी दूसरे देशों की। उस समय देखो मेन 6 बड़े एम्पायर थे, एक ऑस्ट्रेलिया हंगरी, रशिया, फ्रांस, जर्मनी खुद, और उसके बाद ब्रिटेन, और सबसे लास्ट में इटली। तो लिख सकते हो यहां पे ब्रिटेन और इटली, ये 6 बड़े एम्पायर्स थे उस समय। और फ्रांस को करना था आइसोलेट बिस्मार्क को मेनली, और जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क। तो देखो इन्होंने क्या किया, बाकी देशों के साथ रिलेशंस मजबूत होने ही नहीं दिए फ्रांस के। उस समय 1871 के बाद ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी वो तो गोल्डन आइसोलेशन की थी। ब्रिटेन का कहना था कि हम कॉन्टिनेंटल यूरोप के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक ब्रिटेन के डायरेक्ट रूप से इंटरेस्ट हट नहीं होंगे। बस नेवल सुप्रीमेसी चाहते थे ब्रिटेन वाले, क्योंकि उनका खुद का कॉलोनियल एम्पायर काफी बड़ा था, इंडिया जैसे कंट्रीज उनकी कॉलोनीज थे उस समय, इसलिए यूरोप के कॉन्टिनेंटल मैटर्स में ब्रिटेन का इंटरेस्ट था ही नहीं। बिस्मार्क ने छेड़ा भी नहीं ब्रिटेन को, और जो नेवल सुप्रीमेसी थी ब्रिटेन की वो मेंटेन रहने दी। इटली से कोई खतरा लगता नहीं था बिस्मार्क को। इटली के बारे में काफी कम, एक आप कह सकते हैं कि बिस्मार्क को यूं लगता था इटली कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं करेगा ये, इसलिए इटली से कोई डर लगता नहीं था बिस्मार्क को। मेनली दो एम्पायर थे, एक रशिया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया हंगरी। बिस्मार्क की मेन जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ये थी कि कुछ भी हो जाए, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, इन दोनों देशों के रिलेशंस फ्रांस के साथ मजबूत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट ना हो जर्मनी का फ्रांस के साथ। वो स्टेबिलिटी चाहते थे, जर्मनी यूनिफाई हो चुका था, वो चाहते थे अब समय आ गया है जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत बने, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में अलायंसेस की नीति अपनाई, यानी उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के साथ पहले से अलायंस कर लिया जाए ताकि उनके रिलेशंस फ्रांस के साथ मजबूत हो ही ना। सबसे पहले उन्होंने लीग ऑफ थ्री एम्परर्स लिख लीजिए आप, 1873 के अंदर में एक अलायंस उन्होंने बनाया, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। कोशिश इसकी गई थी 1872 में, 1872 में एक बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि उस बर्लिन कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं निकल के आया, लेकिन बाद में 1873 में ये लीग इस्टाब्लिश की गई थी, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। इसमें कौन कौन था, इसमें तीन एम्परर थे, जर्मन के एम्परर थे उसमें केसर विलियम फर्स्ट, और ऑस्ट्रिया के एम्परर थे फ्रांसिस जोसेफ। नोट डाउन कर सकते हैं आप, फ्रांसिस जोसेफ, और सबसे लास्ट में रशिया के एम्परर थे अलेक्जेंडर द्वितीय, यानी सेकंड, अलेक्जेंडर सेकंड। ये इन तीनों एम्परर्स की ये लीग थी, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मेनली कंसेप्ट था, यानी तीनों देशों ने डिसाइड किया कि अगर किसी भी देश पे कोई अन्याय, यानी इन तीनों के अलावा कोई भी देश हमला कर देता है तो तीनों एक साथ आ जाएंगे। जैसे अभी नाटो है ना, नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो में 28 कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज में से किसी पे भी हमला हो जाए तो 28 के 28 एक साथ आ जाएंगे। तो उसी कंसेप्ट पे है ये लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं सका, ये फेल हो गया ये कंसेप्ट। क्यों फेल हो गया, क्योंकि देखो उस समय रशिया ने ना क्या किया था, टर्की पे अटैक कर दिया था 1875 के आसपास। 1875 के आसपास रशिया ने टर्की पे अटैक कर दिया था। रशिया अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता था टर्की पे, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेंस स्टीफेनो, ट्रीटी ऑफ सेंस स्टीफेनो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सेंस स्टीफेनो। अब देखो रशिया ने जो ये अटैक किया टर्की पे, ऑस्ट्रिया हंगरी को तो डायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंच रहा था, इसके अलावा जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो भी खुश नहीं थे। और इन सभी बड़ी पावर्स के बीच में जो विवाद हुआ टर्की पे अटैक
करने के बाद में रशिया ने जो ट्रैक अटैक किया टर्की के ऊपर, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कहां पे? बर्लिन के अंदर। वहां पे ये जो कॉन्फ्रेंस हुई वो बिस्मार्क की अध्यक्षता में हुई, क्योंकि बिस्मार्क उसमें काफी ज्यादा प्रेस्टीज प्रतिष्ठा थी उनकी, तो उनकी अध्यक्षता में बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई इस विवाद के बाद में, क्योंकि अटैक कर दिया था रशिया ने टर्की के ऊपर। तो देखो, बिस्मार्क ने उस समय कहा रशिया को कि आप ये जो ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो, टर्की को अटैक करने के बाद में जो टेरिटरी आपने हड़पी है उसको आप छोड़ दीजिए वापस और स्टेटस को लेके आइए। अब देखो, ये ट्रीटी इम्पोज कर दिया गया, ये डिसीजन इम्पोज कर दिया गया रशिया के ऊपर। रशिया के जो एम्परर थे उनकी प्रतिष्ठा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, ह्यूमिलिएशन उनका हुआ, बेइज्जती सामना करना पड़ेगा। तो बेइज्जती होने के बाद में जो पहले वो लीग बनी थी, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, वहां से बाहर आ गए रशिया के एम्परर। उन्होंने सोचा कि देखो, आपने हमारे साथ लीग साइन करके रखी है और जब बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई आपने धोखा दे दिया हमें, तो इसलिए हमें नहीं शामिल होना लीग में, मना कर दिया रशिया ने साफ तौर पे, तो ये लीग तो खत्म होगी, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। उसके बाद में एक ड्यूल अलायंस साइन किया गया 1879 में, 1879 ड्यूल अलायंस। उस समय बिस्मार्क ने सोचा कम से कम रशिया नहीं है तो ऑस्ट्रिया हंगरी तो होना चाहिए, तो इसलिए ये अलायंस था ऑस्ट्रिया हंगरी और बिस्मार्क के बीच में, यानी जर्मनी के बीच में। अगर किसी भी देश पे कोई हमला होता है तो दोनों देश जो हैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे, किसी को भी आवश्यकता होगी तो, किसी पे भी अटैक होता है तो, समझ गए? तो ये दूसरा अलायंस था, ड्यूल अलायंस, याद रखिएगा, बाद में आंसर्स में लिखने के काम आएंगे। पहला अलायंस था लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, 1873 में साइन हुआ था। दूसरा अलायंस ड्यूल अलायंस, ये 1879 में साइन हुआ था। अब बारी आती है तीसरे अलायंस की, लीग ऑफ थ्री नेशंस, लिख सकते हैं आप लीग ऑफ थ्री नेशंस। ये साइन हुआ था फिर से 1881 में, फिर से उन तीनों के बीच में ही, एक तरफ जर्मनी, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरी तरफ रशिया। अब आपको लगा होगा कि रशिया, जिसकी अभी भी तो बेइज्जती हुई है, अभी भी तो यूं कह के बाहर निकला था कि आपने धोखा दे दिया, वो फिर से अलायंस क्यों करेगा? क्योंकि देखो, उस समय जो रशिया के पहले राजा थे उनका नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो नए जो राजा आए थे उनको उतनी ज्यादा खराब मेमोरीज नहीं थी, उनको लगता था कि देखो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, और अभी तो ब्रिटेन की जो नेवल प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है और इसलिए हमें खतरा है, इसलिए अगर जर्मनी के साथ जुड़ के रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर इनके साथ अलायंस करके रहेंगे तो अच्छी बात है। इसलिए नए राजा ने फिर से लीग ऑफ थ्री नेशंस बना ली जर्मनी के साथ में और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में 1881 में। लेकिन 1887 में बुल्गारिया में रेवोल्यूशन हो गया, तो बुल्गारिया रेवोल्यूशन के क्वेश्चन पे दोनों देशों में फिर से टकराव आ गया, अब की बार जर्मनी नहीं, अब की बार टकराव आया ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में। अब की बार जर्मनी की कोई गलती नहीं, जर्मनी तो एक प्रकार से न्यूट्रल था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया दोनों का अलग अलग स्टैंड था बुल्गारिया में जो रेवोल्यूशन हुई उसके ऊपर, तो फिर से ये जो लीग ऑफ थ्री नेशंस था ये भी खत्म हो गया, समझ गए? यानी ये आया था 1881 में और सिर्फ 6 साल चल सका, दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में टकराव आ गया, इसलिए ये लीग ऑफ थ्री नेशंस है ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में एक ट्रिपल अलायंस साइन हुआ, बाद में नहीं मतलब बीच में हुआ था ट्रिपल अलायंस। अब देखो, आपको एक बात इंटरेस्ट लगेगी, ट्रिपल अलायंस पता कब साइन हुआ? ये साइन हुआ 1882 में। तो आपको यूं लगा होगा कि जब ऑलरेडी जर्मनी का अलायंस था ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ में लीग ऑफ थ्री नेशंस में, फिर बिस्मार्क को क्या जरूरत थी अलग से एक ट्रिपल अलायंस साइन करने की? और इस ट्रिपल अलायंस में मेनली तीन कंट्री थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा इटली। जी हाँ, इटली, जिसके बारे में बिस्मार्क को यूं लगता था कोई काम का नहीं है ये देश, कोई पावर नहीं है, सिर्फ नाम नाम की बातें हैं। तो देखो, उस समय ऐसा वातावरण बन रहा था, विश्वास नहीं था किसी देश को दूसरे देश पे, उनको लगता था कि पता नहीं युद्ध होगा तो सामने वाला देश साथ देगा नहीं देगा, इसलिए सीक्रेट अलायंसेस काफी सारे बन रहे थे दिखावे के लिए, एक देश के साथ अलायंस, पीछे पीछे चोरी छुपे सीक्रेट रूप से उसी के दुश्मन के साथ अलायंस, इस प्रकार से कई अलायंस बन रहे थे उस समय। तो इस ट्रिपल अलायंस में इटली को साथ लिया जर्मनी ने। इटली को क्यों साथ लिया? इटली काफी समय से पीछे पड़े थे बिस्मार्क के कि हमें भी शामिल कर लीजिए, हमें भी शामिल कर लीजिए। एक देखो, ट्यूनिशिया की लड़ाई हुई थी उस समय, ट्यूनिशिया वैसे अफ्रीका में है, कॉलोनी थी उस समय, फ्रांस और इटली के बीच में लड़ाई हुई थी ट्यूनिशिया के लिए, तो उसमें बिस्मार्क ने चोरी छुपे फ्रांस की हेल्प कर दी थी, उनको यूं लगता था फ्रांस की हेल्प कर देंगे तो थोड़े बहुत जो उनके जख्म है 1871 की बुरी हार के वो जख्म भर जाएंगे, थोड़ा उनको दिल बहल जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ भाई कॉलोनीज हासिल हुई हैं इसलिए पुरानी यादों को भूल जाती हैं, इसलिए चोरी छुपे बिस्मार्क ने हेल्प कर दी फ्रांस की और फ्रांस ने
ट्यूनिशिया हासिल कर लिया इटली से, तो इटली को लगा कि देखो यार हम अकेले तो फ्रांस से लड़ नहीं सकते, बिस्मार्क जैसा कोई बंदा हमारे साथ होना चाहिए, जर्मनी हमारे साथ होना चाहिए, तब आगे जाके अगर किसी के साथ लड़ाई होए तो हमें साथ मिल जाएगा। इसलिए इटली बार बार कह रहा था जर्मनी से कि हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, इसीलिए ट्रिपल अलायंस साइन हुआ था 1882 में, समझ गए। तो अब देखो धीरे धीरे आपने एक बात नोटिस की होगी, जो बिस्मार्क की मेन फॉरेन पॉलिसी थी स्टेबिलिटी लाने की, फ्रांस को आइसोलेट करने की, वो फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे सफल हो रही है। इसके अलावा 1887 में एक और ट्रीटी साइन की रशिया के साथ, 1887 में, इसका नाम था री इंश्योरेंस ट्रीटी, ये रशिया के साथ साइन हुई थी। देखो ट्रीटी ऑफ जो थ्री नेशंस है, लीग ऑफ थ्री नेशंस है, ये फेल हो गई थी, हमने देखा था। यहाँ पे देखिए जो ये लीग ऑफ थ्री नेशंस थी, दोनों देशों में ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया में टकराव आ गया था, बाद में ये फेल हो गई थी 1887 के आसपास। तो बिस्मार्क को लगा कि ये देखो ये दोनों देश ना एक साथ आ नहीं सकते, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, इसलिए इनके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में तो पहले से ही ड्यूल अलायंस था इनका जर्मनी का, तो इन्होंने सोचा कि रशिया के साथ में भी अलग से ही दो देशों का अलायंस बना लेते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया आपस में लड़ते हैं, तीनों एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए अलग अलग ढंग से दोनों में अलायंस बना लेते हैं, समझ गए। तो अब जैसा मैंने आपको बताया ड्यूल अलायंस पहले से ही था जर्मनी का, किसके साथ में, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में, रशिया के साथ में साइन किया गया, फिर री इंश्योरेंस ट्रीटी 1887 में साइन की गई, जब भी लड़ाई होगी एक साथ दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन देखो ये जो अलायंस था तीन तीन साल के लिए था, लेकिन उस समय जो जर्मनी के रूलर थे जिनका नाम था विलियम फर्स्ट, इनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे, डेथ हो गई थी इनकी 1888 में। जो नए रूलर आए वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे जर्मनी के, विलियम सेकंड, उनको लगा कि अरे यार खामखा आपने रशिया के साथ में इस प्रकार का अलायंस बना के रखा है, रशिया में कोई पावर तो है नहीं, लाइबिलिटी है, तोड़ो इसके साथ में अलायंस। तो उन्होंने ना तीन तीन साल के लिए अलायंस था 1890 में ये अलायंस रिन्यू नहीं किया, और इससे नाराज हो गए बिस्मार्क। बिस्मार्क को लगा कि देखो आप हमारी बात मान तो रहे नहीं हो, क्योंकि बिस्मार्क को यूँ लगता था कि जो ये पॉलिसी है बिल्कुल सही है और जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन नए राजा को यूँ लगता था कि अगर इस प्रकार से हम ट्रीटी साइन करके रखेंगे सब देशों के साथ में तो उनकी टेरिटरी कैसे हड़पेंगे, यानी मेन नए राजा को यूँ लगता था रशिया की टेरिटरी हड़पनी है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी की उनकी पॉलिसी थी। लेकिन बिस्मार्क को यूँ लगता था कि नहीं कुछ होने वाला है नहीं, जर्मनी को नुकसान ज़्यादा होगा, मोर्चे खड़े हो जाएंगे जर्मनी के खिलाफ। नए राजा ये बात समझे नहीं, बिस्मार्क छोड़ के चले गए, चांसलरशिप से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करो आप बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी को जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद में, तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, ये तो बताने के लिए है, लेकिन अगर करैक्टर पूछा जाए तो आप बताओगे कि सफल पॉलिसी थी और बिगेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा जर्मनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर उभरा, जर्मनी की जो प्रेस्टीज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस की प्रेस्टीज जर्मनी के यूनिफिकेशन से पहले वो उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हुए, नेगेटिव पॉइंट्स ये हुए बिस्मार्क के जाने के बाद में जो जर्मनी के नए राजा थे विलियम सेकंड, तो उन्होंने तो ट्रीटीज रिन्यू की नहीं, वो संभाल नहीं इसके पुरानी ट्रीटीज को, तो बाद में जर्मनी के खिलाफ में मोर्चे बनने स्टार्ट हो गए। 1894 में फ्रांस और रशिया एक साथ आ गए, फिर 1904 के आसपास एक एंटांटे साइन किया इंग्लैंड ने और फ्रांस ने, उसके बाद में 1907 में रशिया भी उसमें ऐड आ गया, यानी तीनों के बीच में अलायंस साइन हुआ जिसमें फ्रांस था, इंग्लैंड था और रशिया था। तो ये अब एक शुरुआत हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि देखो उस समय सीक्रेट अलायंसेस काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, सारे देश एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे, तो उनको लगता था कि जो हथियार हैं वही एकमात्र सोल्यूशन है, अगर युद्ध होता है तो अपने आप पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो इसलिए आर्म रेस चल पड़ी थी, विभिन्न देशों के बीच में हथियारों की एक लड़ाई चल पड़ी थी, कंपटीशन चल पड़ा था। ये सारे कारण धीरे धीरे नींव रखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से ये सारी जो सर्कमस्टांसिस हैं, सारी जो परिस्थितियां हैं, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल जाती हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।